नमस्कार दर्शक मित्रों, आप जो रहा छो भावनगर मीडिया न्यूज। कांग्रेस समिति द्वारा प्रीतिशी डीआरएम साहेब भावनगर विषय राजूला गार्डन माटेनी जग्या अने भावनगर आदानगर में रस्तो खुल्लो करवा बाबते राजूला खाते धारासभ्य श्री अमरीशभाई डेरी छेल्ला 16 दिवसथी उपवास पर बैठा छे। तेम छतां रेलवे द्वारा भड़तर जग्या अगाउ नक्की थयेल होवा छतां गार्डन माटे फाळवामां आवती नथी, तेमज भावनगर आदानगर अक्षय पार्क जवानो रस्तो बंद करेल छे તે ખોલવામાં આવે, કારણ કે આ રસ્તો બંધ થવાથી આજુબાજુની 15 જેટલી સોસાયટીના રહીશોને 5 કિલોમીટર ફરીને જવું પડે છે। એમ્બ્યુલન્સ અને સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને તકલીફ પડે છે। આમાં અનેકવાર રજૂઆત આંદોલન કરેલ છતાં રસ્તો ખુલ્લો કરેલ નથી। તે અનુસાધને કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા ભાવનગર પર આ રેલવે ફાટક પાસે રેલવે પાટા પર બેસીને આંદોલન કર્યું અને ત્યારબાદ કાર્યકર્તા પોલીસ દ્વારા અટકાવવા કરવામાં આવી હતી અને ડીઆરએમ સાહેબ વિનંતી કરીને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું। રિપોર્ટર આસિફ પઠાણ સાથે કેમેરામેન ફિરોઝ ચેલોદ ભાવનગર। આજ હમકો ભાવનગર સિટી કોંગ્રેસ કમિટી કે દ્વારા એક આવેદન દિયા ગયા હૈ જિસમે ઉન્હોને રાજુલા ગાર્ડન કી જો સમસ્યા ચલ રહી હૈ ઉસકે લિયે જો એક આંદોલન ચલા રહે હૈ માનનીય વિધાયક અમરીશ ડેર साहब, उनके समर्थन में ये आवेदन दिया गया है। और इस आवेदन में ये कहा गया है कि जो ज़मीन वहाँ पर हमने उन्होंने मांगी गई थी उसका जो प्रोसेस हो रहा है उसको जल्दी ख़त्म करके और उसको जल्दी से निपटारा किया जाए, उसके बारे में आवेदन दिया है। उसके साथ साथ एक लोकल मुद्दे की भी बात की है जो हमारे यहाँ भावनगर में चल रहा है, उसके बारे में उन्होंने ये आवेदन दिया है। सर, बड़े लंबे दिनों से आंदोलन चल रहा है, रेलवे की जगह है, क्यों सर ये क्या मामला है पूरा जो समाप्त नहीं हो रहा है? इसमें ऐसा है कि जो अभी हमने दिया है उसमें कुछ पुनर्विचार चल रहा है और जो ज़मीन का जो था वो प्रोसेस किया गया था लेकिन उसको जो उसका अनुमोदन आया था लेकिन उसके ऊपर एक पुनर्विचार हो रहा है। उस पुनर्विचार की वजह से वो अभी तक उनको कम्युनिकेशन नहीं किया गया है और उस पर जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा और उसकी प्रक्रिया जारी है। सर, राजकीय नेता भी ये दखल के लिए कर रहे हैं, ऐसा भी मामला सामने आया है, उसके बारे में क्या? इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ये हमारा इंटरनल प्रोसेस है और इसमें हमारा एक जो मैंने अभी आपको फिर बताया कि इसमें कुछ रिव्यू चल रहा है और वो रिव्यू के बाद जल्दी ही निर्णय आएगा।